फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूँ रायपुर के शदानी दरबार में। अब शदानी दरबार की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर मेरे साथ है यहाँ के प्रमुख सेवादारी। भैया आपका नाम बताएंगे? उदय शदानी। और सर आपका? बंटी गावड़ा। ये पूज्य शदानी दरबार तीर्थ, जो कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, लगभग 325 साल प्राचीन परम्परा इस पूज्य दरबार तीर्थ की। हम प्रमुख द्वार से, जो कि रायपुर से धमतरी जाने वाले मुख्य मार्ग पर, लगभग रायपुर के सेंटर से करीब 8-8.5 किलोमीटर की दूरी पर पूज्य शदानी दरबार तीर्थ, यहाँ के संस्थापक परम पूज्य संत शदाराम साहेब लोहाना खत्री परिवार के वंशज और शिव अवतारी हम सभी भक्तों के द्वारा माना गया है। और इतिहास के हिसाब से लगभग पूज्य शदानी दरबार तीर्थ 325 साल पुराना प्राचीन मंदिर, जिसका मूल हयात पिताफी डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से, और यहाँ भारत में जो मुख्य मंदिर है वो हमारा रायपुर में। तो लगभग पार्टीशन के बाद जो यहाँ के 8वें गद्दीसर थे संत गोविंद राम साहेब, उन्नीस सौ सत्तावन के आसपास रायपुर आगमन, और उसके बाद पंडरी स्थित जो पूज्य दरबार तीर्थ का पुराना स्थल है, और उसके बाद लगभग 80 के आसपास यहाँ रायपुर में इस मुख्य धमतरी मुख्य मार्ग पर NH 30 पर शदानी दरबार तीर्थ का ये विशाल मंदिर का निर्माण कराया। और इस मंदिर के निर्माण में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के जुड़े ऐसे कोई क्षण छूटे नहीं जो इस मंदिर में न समाए गए हों परम पूज्य संतों के द्वारा। मुख्य मार्ग से इस गौमुखी आकार में इस मंदिर का दर्शन होता है, और मुख्य मार्ग से ही यहाँ पे सबसे पहले हम सबके आराध्य भगवान शिव का दर्शन, और उस शिव के दर्शन के पीछे जो इस मंदिर का गर्भगृह है, जो एक धूणा जो कहना चाहिए परम पूज संतों ने दुखाया था, वो 325 साल पुराना धूणा, उसका मुख्य मार्ग से दर्शन होता है। और इस मंदिर का सबसे विशेष भाग और गर्भगृह जिसको बोलना चाहिए, वो धूणा और शिव आकार में वो शिवलिंग जो बना हुआ है, उसका भी हम आगे चल के दर्शन करेंगे। और 2-3 बहुत ही प्रमुख चीज़ें इस दरबार तीर्थ में देखने के लायक है। एक गर्भगृह हो गया, पूरे हिंदू सनातन संस्कृति के ध्वनि यंत्र जो, और जो ईश्वर उस समय वाहन यूज करते थे, जैसे गरुड़ हो गए, मोर हो गए, गायें हो गए, दुर्गा माता का शेर हो गया, और गायें और बैल हो गए शिव के, और बीच में उनके यंत्र ध्वनि के शंख हो गए, ओम हो गए, और जय जय सदाराम का नारा यहाँ पर परम पूज्य संतों ने बनाया। इस तरफ आप देख सकते हैं 4 बड़े गार्डन हैं, जिसमें चारों गार्डन में नक्शे बने हुए हैं। एक कृष्णकालीन भारत का नक्शा, एक वर्तमान भारत का नक्शा, इसी प्रकार पूरे विश्व और दुनिया से ये कहना चाहिए कि पूरी संस्कृति को ला करके, हमारी भारत की सभ्यता को ला करके इस 12 एकड़ के प्रांगण के अंदर समा दिया। ये इस दरबार की अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। मैं आज संजय भाई को इनके YouTube चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि क्या पता इनके ऊपर ईश्वर की क्या आज असीम कृपा हुई कि ये आए हैं और अपने इस चैनल के माध्यम से आज दरबार तीर्थ का। और ये वैसे आपको जानकारी और भी रहे कि ये छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में भी दर्ज है पूज्य शदानी, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारत और पूरे विश्व का एक तीर्थ स्थल माना जाता है, और विशेषकर सिंधी समाज। तो 12 एकड़ के इस प्रांगण में, इस परिसर में, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के जो समय गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में यज्ञशाला हुआ करती थी, गुरुकुल में सरोवर हुआ करते थे, भजन कक्ष, भोजन कक्ष, साधना कक्ष, औषधालय, गौशालय इत्यादि, ये सब क्रीड़ा के लिए मैदान, ये सारे हुआ करते थे। गुरुकुल की पद्धति को चरितार्थ करते हुए अष्टम संत गोविंद राम साहब जी महाराज ने इस प्रांगण में औषधालय का निर्माण कराया, विद्यालय का निर्माण कराया, गौशालय का निर्माण कराया, क्रीड़ा के लिए मैदान है, भजन कक्ष, साधना कक्ष, भोजन कक्ष, यज्ञशाला, सरोवर है, यहाँ वो सारी चीज़ें विद्यमान हैं, स्थापित हैं, जो प्राचीन समय में गुरुकुल में हुआ करती थी। तो ऐसा पवित्र पावन प्रांगण यह पूज्य शदानी दरबार तीर्थ। आइए मैं आपको और जानकारी ये देना चाहूँगा कि भारत के चारों शंकराचार्यों का यहाँ आगमन हो चुका है, भारत के शीर्ष संत जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं, भारत के शीर्ष राजनीतिक यहाँ आ चुके हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न जिलों से अनेकानेक श्रद्धालु यहाँ आके दर्शनार्थी हेतु दर्शन करते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ विद्यमान है, और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम
चंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ, तो उन वनवास के समय में पूज्य श्री रामचंद्र जी यहाँ आके कुछ दिनों तक कुटिया बनाकर रहे थे। तो ऐसी पवित्र पावन प्रांगण और ऐसी तपोस्थली पूज्य शदानी दरबार तीर्थ, यहाँ विराट स्वरूप भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का, यहाँ विराट स्वरूप माता दुर्गा का हम दर्शन कर रहे हैं। पूज्य समाधि स्थल का समाधि स्थल है यहाँ। समाधि स्थल ऊपर हम देखेंगे तो श्री यंत्र नुमा, जो श्री यंत्र आकार का बना हुआ है अष्टखंभधारी, यहाँ असम सतगुरु दातार को मुखाग्नि यहाँ समाधि स्थल बनाया गया। पीछे हम देख रहे हैं ऑडिटोरियम संत तख्तलाल मंगल भवन, इसके समीप में हम देख रहे हैं सरोवर तुलसी सरोवर। विशेष रूप से पूज्य दरबार तीर्थ में चार विशेष स्थान जिसे हम जागृत स्थान कहते हैं। एक स्थान है धूणी साहिब, जिसका हम सभी ने दर्शन किया। धूणी साहिब ऐसी मान्यता है जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं किए, अगर वह धूणी साहिब के दर्शन करता है तो उसे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन फल लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ एक खाट स्थापित है, जिस खाट को आज से 150 वर्ष पूर्व पूज्य दरबार तीर्थ की 5वीं गद्दी सर परम पूज माता साहिबासी देवी, जो उस खाट पर बैठकर उन्होंने जिन्होंने साधना की, तो जब ब्रह्मलीन हो रहे थे तो उन्होंने उस खाट को वरदान दिया कि उस खाट पर, खाट के नीचे जो भी आकर बैठेगा, उसका स्मरण करेगा, उसका ध्यान करेगा, तो मना स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य लाभ उसे प्राप्त होगा। एक स्थान है सरोवर, तुलसी सरोवर साइड, इस स्थान को भी वरदान मिला हुआ है शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल में। जो भी व्यक्ति इस सरोवर में स्नान करता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और चतुर्थ जो स्थान मैं आपको बता रहा हूँ वह है समाधि स्थल। समाधि स्थल जिनको धन की कमी है, जिनको दारिद्रता है, वह इस समाधि स्थल पर आके प्रार्थना करते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो वह धन से संपन्न हो जाते हैं। अष्टम सतगुरु दातार, आइए मैं दर्शन कराता हूँ। संत गोविंद राम जी महाराज की पूज्य समाधि स्थल, तो यहाँ सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, ये था रायपुर का शदानी दरबार। इसे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, मतलब ये छत्तीसगढ़ टूरिज्म में भी आता है और बहुत ही सुंदर जगह है। आप सबको एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।